वेलकम टू ऑल ऑन ऑफिशियल चैनल ऑफ हिंदी बोर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेस्ड है ट्रेन, सुरंग और बिल्ली पर आधारित। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सुरंग है, उसके अंदर एक बिल्ली है और एक ट्रेन आती है। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया तो बिल्ली ने भागना शुरू किया। बिल्ली के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ए बिंदु से बाहर निकल जाए या बी बिंदु से बाहर निकल जाए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, दोनों ही केस में बिल्ली मारी जाती है। अगर वो एक ही तरफ भागती है इस तरह से तो ट्रेन उसको जस्ट ए पर पकड़ लेती है, अगर वो बी की तरफ भागती है तो ट्रेन इसको जस्ट बी पर पकड़ लेती है। मतलब दोनों ही केस में बिल्ली का मारा जाना तय है, इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बिल्ली है कहाँ पर, ये लिखा 4/9 दूरी पर है ए से। और 4/9 का मतलब क्या है, 4/9 का मतलब, अगर सुरंग की लंबाई 9 है या 9x मान लें सुरंग की लंबाई, तो वो 9 में से 4x की डिस्टेंस पर है, वो भी ए से। क्वेश्चन में गिवन है कि ए से, जब पूरी 9x है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 5x, क्योंकि टोटल 9x है। अब ट्रेन के लिए डिस्टेंस बाहर से ये पता नहीं है तो वाई मान लें। अब डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब इसको यूज कैसे करेंगे जब दो लोग होते हैं तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, S1/S2 इक्वल्स टू D1/T1/D2/DT2। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ही केस में बिल्ली मारी जाती है। मारी जाने का मतलब ट्रेन और बिल्ली आपस में टकरा जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। अब जब दो लोग मिलते हैं तो टाइम कांस्टेंट होता है, मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट, टाइम इसमें कांस्टेंट है, यानी T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, D1/D2 ये बन गया फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला दो जगह लगेगा, ए बिंदु पर भी यही लगेगा फॉर्मूला और बी बिंदु पर भी। तो ए बिंदु पर यही लगाएंगे फॉर्मूला पहले, S1/S2 इक्वल्स टू D1/T1। S1 क्या है, ट्रेन की स्पीड S1 है, बिल्ली की स्पीड है वो S2 है। तो S1 के करेस्पॉन्डिंग कितनी है लेंथ, ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा ए बिंदु तक आने के लिए, वाई। तो बिल्ली को ए बिंदु तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 4x, Y/4x, इक्वेशन नंबर 1। अब बिंदु बी पर यही लगाएंगे फॉर्मूला, स्पीड तो सेम है कोई फर्क नहीं, S1/S2। बिंदु बी पर ट्रेन के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, 9x तो थी, वाई और एड हो जाएगी, यानी कि Y+9x/। अब बिल्ली की लेंथ क्या है, बिल्ली अगर यहाँ से थी, अगर वो B की तरफ भागेगी तो 5x, इक्वेशन नंबर 2। अब S1/S2 की वैल्यू यहाँ रख दें इक्वेशन नंबर 2 में, कितनी है, Y/4x इक्वल्स टू ये Y+9x/5x, ये x से x कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 5y=4y+ ये हो जाएगा 36x। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5y-4y, तो y=36x। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर रख दें 1 में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, S1/S2 इक्वल्स टू कितना है, Y/4x है, y के प्लेस पर रख दें 36x/4x, ये x तो S1/S2 इक्वल टू 9/1। 9/1 का मतलब क्या है, ये रेशियो निकल आया, S1 क्या है ट्रेन, S2 क्या है बिल्ली की स्पीड, इनका रेशियो है 9/1। अगर क्वेश्चन में रेशियो पूछा होता तो 9:1, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है,
अब इसके बाद का, बिल्ली की गति 10 किलोमीटर है, यानी एक की वैल्यू 10 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो ट्रेन की स्पीड होगी 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।